नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। बाबा वंशीधर मंदिर से शुरू हुआ भंडारा गढ़वा गढ़देवी मंदिर होते हुए आज शनि मंदिर हॉस्पिटल चौक मेदिनीनगर पलामू में शुरू किया गया, जो हर महीने की अंतिम शनिवार को किया जाएगा। आज भंडारे की शुरुआत मंदिर में पूजा के बाद शुरू की गई। युवा पलामू समाधान एवं जय माँ गढ़देवी भंडारा के सहयोग से चलने वाला भंडारे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ साथ युवा पलामू के राकेश तिवारी, युवराज सिंह समाधान से अधिवक्ता सुधा पांडे, मंटू पांडे, जय माँ गढ़देवी भंडारा के सदस्य केतन मल्होत्रा, मुकेश सोनी, आज सुनेता रुद्र शुक्ला सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। समाधान टीम नगर अधिकारी द्वारा जो भंडारा होता था और जय माँ गढ़देवी भंडारा के तहत यहाँ भी भंडारा का शुभारम्भ आज से किया गया है, जो हर महीने के शनिवार को होना सुनिश्चित हुआ है और आज वो भी रहा है। और भारी संख्या में श्रद्धालु लोग और जितने भी जरूरतमंद जो भी हैं सब प्रसाद ले रहे हैं। और आगे में ऐसा भी हो सकता है कि मैं हर शनिवार को भी इसका आयोजन हो सकता है, और जो लोग भी भंडारा कराना चाहते हैं अपनी तरफ से वो संपर्क कर सकते हैं और भंडारा करा सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 25 तारीख को हम लोग को शनि मंदिर में भंडारा करना था। सौभाग्य की बात है कि आज वंशीधर मंदिर से समाधान के द्वारा जो कार्यक्रम शुरुआत किया गया था जय माँ गढ़देवी भंडारा के द्वारा गढ़देवी मंदिर में किया जा रहा था, आज यहाँ युवा पलामू हम लोगों के द्वारा शनि मंदिर में आज से भंडारा का आयोजन किया गया है। हर एक माह के शनिवार को भंडारा होता है, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि हम लोग हर एक शनिवार को यहाँ पे कार्यक्रम करें। अभी डाल्टनगंज शनि मंदिर हॉस्पिटल चौक पे, सदर अस्पताल चौक पे, शनि मंदिर के पास नगर समाधान वंशीधर मंदिर में जो चलता है और जय माँ गढ़देवी भंडारा जो गढ़देवी मंदिर के प्रांगण में चलता है, उसके तत्वाधान में आज हम लोगों ने शनिवार को डाल्टनगंज सदर अस्पताल के पास युवा पलामू की ओर से के सौजन्य से यहाँ भी भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। और इस भंडारे का शुरुआत आज किया गया, इसमें काफ़ी श्रद्धालु प्रसाद के लिए पहुँचे, काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है। शनिवार को शनि भगवान के मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है और मैं सभी लोगों से, डाल्टनगंज शहर के सभी व्यवसायियों से, सभी श्रद्धालुओं से मैं अपील करूँगा कि आप बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे और युवा पलामू जो अभी यहाँ पर भंडारा स्टार्ट किया उनको सहयोग करें, प्रसाद ग्रहण वितरण करवा कर जय शनि भगवान। धन्यवाद।